हेलो गाइस, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो 20 घंटे के अंदर अंदर में 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। यदि आप इस टाइप के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक शेयर व्यूज आ सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, और वीडियो आप देख भी सकते हैं, इस वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, उन दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे रखा हूँ, सिंपल आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको करना क्या है, सिंपल टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे हैं, सिंपल आप लिंक पे क्लिक करना है। और यहाँ पे लाइक्स एंड व्यूज भी देख सकते हैं, इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ चुका है, 1 मिलियन के आसपास लाइक आ चुका है और व्यूज यहाँ पे 8 मिलियन क्रॉस कर चुका है। तो इसको आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे यूज दिस साउंड का ऑप्शन आ जाएंगे, सिंपल आपको यूज दिस साउंड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे एक आपको आई ऑप्शन मिल जाता है, टाइमर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 सेकेंड का टाइमर यहाँ पे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट शूटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल आपको स्टार्ट शूटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद को इसी साउंड पे आपको सेम एडिटिंग कर लेना है, जैसे कि भाई ने एडिटिंग किया है तो आपको भी उसी तरह से एडिटिंग कर लेना है। शूट होने के बाद आपको क्या करना है, तो जैसा कि आपने देखे यहाँ पर वीडियो मैंने शूट कर चुका हूँ। शूट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपल फिर से हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पब्लिश यहाँ पे सेलेक्ट है, सिंपल आपको इसे आपको प्राइवेट कर देना है। प्राइवेट करने के बाद वीडियो को यहाँ से आपको पोस्ट कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो हमारा पोस्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अपलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको मी पे क्लिक करना है, और देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने वीडियो अपलोड किया यहाँ पे सिंपल शो कर रहा है। सिंपल आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव वीडियो पे क्लिक कर देना है, और ये वीडियो जो है आपको गैलरी में सेव हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे रखा हूँ, सिंपल आपको वहाँ से आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद आपने जो वीडियो अभी फ़िलहाल में जो डाउनलोड किए थे उस वीडियो को सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे रखे हैं, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस वीडियो को आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। तो सबसे पहले मैं फुल स्क्रीन में कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो सेम साइज का है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाता है, क्रोमा की को इनेबल कर देना है और कलर की पे आना है, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे आपको लेकर आना है जहाँ पे आपको देख सकते हैं मुर्गा या फिर मुर्गी है जो भी है, और इसके बाद यहाँ पे आपको सही से एडजस्ट कर लेना है क्रोमा की को, कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट आपको करना है काफ़ी ध्यान से। अब देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, डबल साउंड आ चुका है, इस दोनों वीडियो में से किसी एक वीडियो को साउंड को म्यूट कर देना है। अब आप जो वीडियो प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। इस साउंड पे यदि वीडियो बनाते हैं तो आपको वीडियो देखने में काफ़ी बेहतरीन लगेंगे। इसके बाद क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। इससे क्या होता है, लास्ट का साउंड जो होता है हमारा स्लो हो जाता है। इसके बाद सेटिंग शेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।